हाय गाइस, सबका ऑटो लंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को मालूम है, किसी का भाई किसी की जान का आज जो है चौथा सॉन्ग आया है। और जब भी कुछ ऐसा खबर रहता है तो आपको मालूम है कि एक हम लोग एपिसोड बनाए हैं जिसका नाम है क्रेजी हम कुल कुल। उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे एक्सपर्ट आ चुके हैं। तो चलिए, हमारे एक्सपर्ट जो है सबसे पहले मैं बुलाऊंगा। आज जो है थोड़ा एक ऐसा जो है मतलब सलमान खान का बिगेस्ट फैन है, सबसे पहले उसको ही बुलाऊंगा मैं। फिल्मी सिकंदर, शिकार तो सभी करते हैं पर टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। भाई का चौथा सॉन्ग रिव्यू गाइड। तो चलिए, हमारे दूसरे एक्सपर्ट सूर्या सिंह, बॉलीवुड क्रेजी। अशोक सर, क्या हाल चाल? अरे हाल चाल एकदम ठीक है। आपका बॉलीवुड ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका स्वागत है। बस बस बस। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, अरे 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 भाई कपड़े मत उतार दो, फैमिली शो है। अरे अरे उतारते हैं सर, इतना तो उतार सकता हूँ मैं। अरे बाप, ये देखो भाई। अरे बाप रे बाप, अरे बाप, देख सकते हैं ना आप सब। सही सही सही। तो मैं जानना चाहूंगा कि बहुत कम्मा बत्थू कम्मा, देखो सॉन्ग के बारे में अगर एक वर्ड रिव्यू करूँ ना, माइंड ब्लोइंग। ये सॉन्ग तेलंगाना का कल्चर, वहाँ का अच्छा त्यौहार मनाते हैं वहाँ पे। मेरा एक दोस्त है जो कि वो तेलंगाना से बिलोंग करता है। अच्छा, उन्होंने मेरे को बताया कि ये वहाँ का त्यौहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, और जिस अच्छा, तरीके अच्छा, से कोरियोग्राफर किया गया ना, आप ना बोलोगे ना ये फरार समझी नहीं है साला। अरे बाप, ये फरार समझिएगा है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अरे क्या पूरा फील दिला रहा साउथ वाला। उसके बाद जो पूजा हेगड़े का लुक देखो आप, क्या क्यूट दिख रही है यार भाभी, यार सुपर भाभी। भाभी बोले तो यार अभी भाईजान के साथ है। ये जो है ना, ये जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी मूवी आता है सलमान के साथ के ना, फिल्म में जैकलीन आती है भाभी, उसको फिल्म में, फिल्म में की बात कर रहा हूँ। फिल्म में भाभी है ना भाई, सलमान खान के आइटम भाभी हुई ना। तो जाहिर सी बात है, तो भाभी का जो क्यूट दिख रही थी, उनका जो साड़ी का स्टाइल है, मैं तो बोलूंगा पूजा मैम से कि प्लीज आना इसे साड़ी में रहा करो। क्या प्यारी दिखती हो आप मैम, ये बात अच्छा, तो सही सच्ची बोल रहे हो। साड़ी में सी रहा तो गाना, गाना गाना बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद जो इंट्री होती है भाई का, मुझे मेरा एक सपना था कि भाईजान को लुंगी में देखूं। अरे आज वो सपना पूरा हो गया। और जिस तरीके से वो लुंगी में दिख रहे ना भाई, माँ कसम सीटी ताली नहीं बजाए ना। और मैं ना थिएटर में जाके लंगा नाचूंगा, लंगा लंगा मतलब ये डायलॉग है नंगा, उसको वो नहीं पैंट नहीं, शर्ट उतार के भाईजान उतारते ना शर्ट, उसे शर्ट उतार के नाचूंगा। बाकी का सूर्या भाई बताएगा आपको। ये काफी चीजें उतार चुके हैं, मैं थोड़ा सा पहना देता हूँ। बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा हम इनको थोड़ा ये लेते हैं। अब चलते सूर्या भाई। मेरे को पता है अच्छी बात क्या लगी, इस फिल्म के चारों गाने अच्छे हैं। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था कि इसका एक गाना भी अच्छा होगा, क्योंकि सलमान खान से इतनी नेगेटिविटी स्पेशली इस पिक्चर को लेकर कि मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा। लेकिन हाँ, मेरे उम्मीद से परे हुआ, क्योंकि फराज सामजी थे, डर लग रहा था। लेकिन फराज सामजी के होते हुए भी इतने अच्छे गाने निकल रहे हैं, यानी कुछ तो दाल में काला है ये जरूर। हाँ, पूरी दाल ही काली, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। पूरा साउथ फ्लेवर तेलुगु लैंग्वेज यूज की गई पूरे गाने में, और इतना बढ़िया कल्चरल गाना है। और सलमान खान जब लुंगी में नजर आते हैं, ऐसा मुझे भी लगा कि मैं भी इस फिल्म को लुंगी में पहन के जाके, साउथ कल्चर का है ना कपड़े पहन के जाके इस फिल्म को उसी वेशभूषा में देखूं, मजा आएगा मुझे लगता है, मजा आएगा। जिस तरीके से वो ग्रुप बना के आ रहे हैं ना, जैसे वो अपना राघव है, उसके बाद सहनाज गिल है, मतलब कितना प्यारा लग रहा है वो सीन। और देखो अभी ना उनका होशियारी देखो भाई का, उन्होंने पूरा सॉन्ग नहीं डाला है। आपने टीजर में नोटिस किया होगा कि वो डांस भी करते हैं पूजा हेगड़े का, ऐसा करके स्टेप उन्होंने जानबूझ के नहीं डाला। वो दो मिनट का क्लिप डाला है। और आपको ये भी बता दूं कि इसमें रामचरण का कैमियो भी है, इसके वजह से उन्होंने फुल सॉन्ग नहीं डाला। अच्छा, वो एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए कि थिएटर में पब्लिक को पसंद आनी चाहिए। और नो डाउट पसंद आएगी, पक्का आएगी पसंद। वैसे फिल्म में जब गाने अच्छे होते हैं तो उसकी अपने आप पब्लिसिटी हो ही जाती है। और इसका पहले ही गाना नहीं हो लग रहा तो आज भी दिल के करीब है। फिर बिल्ली बिल्ली, फिर सलमान भाई ने गाना गाया अभी चौथा भाई, एक के बाद एक मुझे लगता है ईद से पहले सलमान खान ने छोटी 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 करके ईद ही दे रहे हैं। वैसे रमजान का महीना हो, लेकिन मुझे पता है इस बार की ईद बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। सलमान की ये फिल्म फाड़ने वाली है, और ये गाना बहुत ही बेहतरीन है। भले ही लैंग्वेज अलग हो, लेकिन दिल को छूता ये गाना। अच्छा चलिए, मैं जानना चाहूँगा आप लोग को गाना अच्छा लगा तो सूर्या सर रेटिंग क्या रही? जब इतनी बोल्ड स्टेप लिए, देखो पहली बार मतलब किसी कल्चर के ऊपर है, कल्चर की भी बात नहीं है, देखो सब अच्छी बात है, इंडियन कल्चर की बात है। पहली बार एक हिंदी फिल्म में प्रॉपर साउथ गाना, साउथ फील के साथ गाना आया है, इससे बड़ी बात मुझे और कुछ नहीं लगती है ना। साउथ हिंदी ये जो हमेशा हम करते हैं ना, इस गाने ने उसको मिला दिया है।
सलमान खान को जो हेट करते थे याद है, नहीं लग रहा है इस स्टेप पे कितना हेट किया इस, पे, इस गाने को किसी का माई बाप हेट नहीं कर सकता क्योंकि गाने में एक अलग माहौल बना दिया उन्होंने, मतलब कि एक जोड़ दिया उन्होंने साउथ इंडस्ट्रीज और बॉलीवुड इंडस्ट्री एक जोड़ दिया। उनके पिक्चर देखो भाईजान, एक क्या बोल बजरंगी भाईजान, उसमें किस तरीके से उन्होंने एक तरीके से अच्छा मैसेज देने की कोशिश किया था, तो इसमें भी वही चीज़ है। अच्छा मतलब है, मतलब एक कल्चर है, इसके रेटिंग देना बहुत ये है। नहीं नहीं ये बोलते ना इंग्लिश उसको हिंदी में क्या, सॉरी हिंदी आती नहीं है भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, तो दोस्तों हिंदी में एक ही लाइन थी इसलिए बहुत सारे इसको रिव्यू के हिसाब से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी चार स्टार हाल में बनता ही है, उससे कम नहीं देख। बराबर है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, हमारे एक्सपर्ट का जो है चर्चा बहुत ज़बरदस्त रहा, और जो है सलमान खान को सब लोग लुंगी में देखना चाहता था, लुंगी में आ गए नंगा नाचते हुए तो देखेंगे ये कितना नंगा नाचते हैं, कितना नंगा नाचते हैं और कितना ये करते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, मैं यही चाहूँगा बॉलीवुड क्रेजी बॉलीवुड मेकनी वर्ल्ड और आटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक फोटो।